अपनी पार्टी हो दिए जाक इस दिवाली शुरुआत अगर तुम वो कि ये अलाक यह मुश्किल बन बोजान गोर चीज ये तुम माफी अन हुकूमत अच्छा हुकूमत बह तुल दंड बेटक मर इसको हुकूमत नहीं कहते खुदा के बैद हुकूमत होती है इन चौधरी एस टी भाई वन आब मसल बह वादे दिवन अगर सोर सोता है ऊपर मैं इनको एक टैग 4-5 करोड़ रुपए की दूंगा दिलाऊंगा। कश्मीर में भी आज गांधरबल में भी किया है मेरे ख्याल पार्लियामेंट का इलेक्शन अगले महीने अनाउंस होगा तो उसी के बारे में हमने भी शुरुआत की है कि हम भी 5 सीटें यहाँ रियासत जम्मू का 5 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे DPAP और यहाँ लोगों को अपनी बात कही है कि अगर इस दलदल से आपको निकालेगा ये जो 30 साल रहा है यहाँ पर वो एक ही लीडर है वो गुलाम नबी आज़ाद निकाल सकता है। यहाँ बिजली का मसला है या बेरोज़गारी का मसला है ये बड़े अहम हैं दो मसले यहाँ बड़े अहम हैं इन दोनों को हम इंशाअल्लाह रहमान बेरोज़गारी को भी ख़त्म करेंगे और ये बिजली का जो बहरान है इसको भी ख़त्म करेंगे। आपने गांधरबल में 70 साल शेख अब्दुल्ला का फारूक अब्दुल्ला का उमर अब्दुल्ला का सुना उसके बाद PDP का सुना है आज हमारी भी सुनो हम क्या करेंगे उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं मुबारक देता हूँ गुलाम नबी आज़ाद को बगैर कमिटमेंट उसने डिस्ट्रिक्ट दिया है उसने अस्पताल दिया है उसने कुछ रोड्स दिए हैं गांधरबल इंजीनियरिंग कॉलेज है बगैर कमिटमेंट जब हम कमिटमेंट करेंगे तो 100% हम दुरुस्त करेंगे। तो ये बताएं मोहम्मद अमीन साहब की श्रीनगर बारामूला और अनंतनाग की सीटों के लिए कोई उम्मीदवार ना वो अभी पार्लियामेंट बोर्ड हमारा जब मीटिंग होगी तो उसमें कर सकते हैं अभी तो हम ऐलान नहीं किया है कहीं जगह पर भी चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो हम ऐलान नहीं कर सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट बोर्ड में बैठे। शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब ये तो मुझे लगता है हाल ही में जो पार्टी का शुरुआत हुई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी उस हिसाब से अगर हम देखेंगे न कि गांधरबल में बल्कि हर एक रियासत के हर एक कोने से गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक्सेप्टेंसी मिल रही है बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मैं आपको कहूँगा कि मैं एक नया फेस हूँ गांधरबल में नौजवान हूँ सियासत में यही कोई 5-8 साल आज़ाद साहब के साथ ही जुड़ा हूँ पिछले 8-10 साल से तो मुझे लगता है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। आज हम आए थे यहाँ पे बुद्रकुंड हल्का बुद्रकुंड गांधरबल में और यहाँ पे लोगों का जो हमने आज रिस्पांस देखा लोग जितने इकट्ठे हुए हैं इस चीज़ से मुझे लगता है आने वाला वक्त जो है गांधरबल में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जीत होगी इंशाल्लाह। और यहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब की लीडरशिप का सवाल है उसका कोई मद मुकाबल नहीं है उसने काम किए हैं और लोगों को वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है उसी चीज़ की उसी नतीज से आप आज लोगों का हुजूम हमारी हर एक इजलास में हमारी हर एक मीटिंग में देखते हो जी।